हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। आज जो हमारा वीडियो है वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। जैसा कि आपको पता है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है उनका टाइम टेबल आ चुका है। इसी के रिगार्ड जो हमारी सीरीज चल रही है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है आज वो है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी है और थ्योरिटिकल सब्जेक्ट भी होता है और एक लेंथी सब्जेक्ट भी है। इसलिए फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के ऊपर आपका अच्छा फोकस होना चाहिए। मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न है उसको देखते हुए और करंट एग्जाम पैटर्न है उसको देखते हुए ये पेपर बनाया है। इसमें आपको जो मैं आपको बताऊं उसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो सारे क्वेश्चन है हर बार मोस्ट रिपीटेटली क्वेश्चन है हर यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। शुरू करते हैं हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। तो नर्सिंग के बारे में, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में हम फर्स्टली नर्सिंग के बारे में ही पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा, डिफाइन नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसको आपको डिफाइन करना है। अलग अलग जो थ्योरीज दी गई है, जो डेफिनेशन दी गई है, उनके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन अबाउट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी नर्सिंग प्रोफेशन, और जो नर्सिंग प्रोफेशन है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसके बारे में आपको पूछ सकता है। और डिस्क्राइब अबाउट दी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स, जो एक प्रोफेशनल नर्स है उसकी क्या क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है इन द क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें तीन क्वेश्चन आए। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यूनिट फर्स्ट नर्सिंग और यूनिट सेकंड हॉस्पिटल, यूनिट थर्ड वाइटल साइन, ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इन तीन यूनिट को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और सॉरी, कम्युनिकेशन और आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में इन चार यूनिट को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, डिफाइन वाइटल साइन। वाइटल साइन के बारे में आपने पढ़ा होगा, टीपीआर बीपी, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन और बीपी यानी ब्लड प्रेशर। इससे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन घुमा के पूछे तो आपसे पूछ सकता है डिफाइन द कार्डिनल साइन, जो हमारी बॉडी है इसके कार्डिनल साइन के बारे में पूछ सकता है। तो वो सेम हो जाएगा वाइटल साइन। और इसमें से एक पूछ सकता है, एक्सप्लेन इन डिटेल फॉर व्हाट अबाउट दी बॉडी टेम्परेचर, या दूसरा इंपॉर्टेंट जो बनेगा वो बनेगा ब्लड प्रेशर। तो ये पूछ सकता है कि आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है बॉडी टेम्परेचर के बारे में, कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रोसीजर होती है और नॉर्मल साइट कौन कौन सी होती है और वहाँ का बॉडी टेम्परेचर क्या क्या होता है, ये आपको बताना है। फिर इसने पूछ लिया डिफाइन पायरेक्सिया या फीवर और इट्स डिफरेंट टाइप, क्योंकि जो फीवर होता है इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो फीवर है इसे डिफाइन करो और इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप कौन कौन से होते हैं। और जब कर दिया आपने डिफाइन, इसके बाद में पूछ ले मैनेजमेंट ऑफ पायरेक्सिया, क्योंकि जो सी वाला ऑप्शन होता है क्वेश्चन में ये सबसे ज्यादा मार्क्स का होता है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का ये आएगा, 2 नंबर का ये आएगा, तो 6 नंबर का ये अकेला क्वेश्चन आता है कि आपको इस पेशेंट का मैनेजमेंट भी लिखना है या केयर ऑफ ए पेशेंट विद द फीवर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन कम्युनिकेशन या आईपीआर। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन हर बार आता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्वेश्चन बनेगा तो डिफाइन कम्युनिकेशन। एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कम्युनिकेशन को डिफाइन करो या एक्सप्लेन अबाउट दी कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है जो इसमें जो मैसेज होता है वो एनकोड होता है, फिर डीकोड होता है, जो सेंडर होता है, जो रिसीवर होता है, ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसके बारे में आपको पूछ सकता है। और एक्सप्लेन अबाउट दी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है इसमें कौन कौन सी रुकावटें आती है, कौन कौन से बैरियर्स आते हैं। अराउंड 10-15 बैरियर्स है, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछता है तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन में या शॉर्ट नोट्स के अंदर डेफिनेटली हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन। साथ में ही आपको एक स्टेप और याद कर लेनी है, आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को हम बोलते हैं थेराप्यूटिक रिलेशनशिप,
ये वाला क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछ सकता है, तो आपको इसके साइमल्टेनियसली इसके साथ में आईपीआर को भी अच्छे से पढ़ लेना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर यूनिट इसी के चार क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में रिपीटेटिव क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफाइन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को डिफाइन करना है, और टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल कि हॉस्पिटल कौन कौन से टाइप के होते हैं। अब जो हॉस्पिटल होते हैं बेड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, जो ओनरशिप होती है उसके अकॉर्डिंग अलग होते हैं, ऑथोरिटी के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, और जो बॉडीज होती है ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी, सेमी प्राइवेट गवर्नमेंट, ये सारे टाइप्स होते हैं हॉस्पिटल के। इसके साथ में एक और ऐड कर लेना, वेरियस डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल, कि जो हॉस्पिटल है इसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसका क्वेश्चन भी आपसे ऐड कर सकता है। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इसके साथ में ऐड कर दिया, नर्सिंग प्रोसेस। जो नर्सिंग प्रोसेस है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी सेपरेट यूनिट है नर्सिंग प्रोसेस। एकदम छोटा सा टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसकी जो स्टेप्स होती है, असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं, और उसका जो इवेल्युएशन होता है, इन सब के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है, इसमें से आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। ये चार में से तीन या दो क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव वेरी इंपॉर्टेंट, बेड मेकिंग। जो बेड मेकिंग है अपने आप में एक सेपरेट यूनिट है, इसमें आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। जो बेड मेकिंग और बेड शोर है दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आते हैं। इसके जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो जो बेड मेकिंग है इसके अंदर पूछ सकता है कि जो बेड मेकिंग प्रोसेस होती है ये क्या होती है, या प्रिंसिपल्स ऑफ बेड मेकिंग, कि जो हम बेड मेकिंग कर रहे होते हैं तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकता है, और टाइप्स ऑफ द बेड कि कौन कौन से टाइप की बेड मेकिंग की जाती है। ओपन बेड हो गया, क्लोज बेड हो गया, थेरापूटिक बेड हो गया, रीनल बेड हो गया, कार्डियक बेड हो गया, इन सभी बेड के बारे में आपसे बेड मेकिंग के अंदर एग्जामिनर पूछ सकता है। नेक्स्ट वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, डेट इज बेड शोर। जो बेड शोर होता है इसे आपसे पूछ सकता है डेक्यूबिटस अल्सर, कि जो बेड शोर होता है ये क्या होता है, और इसकी स्टेजेज कि जो बेड शोर है इसकी कौन कौन सी स्टेजेज होती है, स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, और ट्रीटमेंट ऑफ ए पेशेंट विद द बेड शोर, कि जो बेड शोर से एक पेशेंट है, एक क्लाइंट है जो जिसके अंदर हो रखा है बेड शोर, तो आप उसका मैनेजमेंट, उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ये आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जो क्वेश्चन नंबर फाइव है और जो सिक्स है, हो सकता है ये आठ आठ नंबर के आ जाए या छः छः नंबर के आपके आ सकते हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, बेड मेकिंग को और बेड शोर को। यदि बेड शोर का क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, तो आपसे पूछ सकता है डेक्यूबिटस अल्सर। और इसके बाद हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, जो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग है, इसमें एक या दो क्वेश्चन ही आपको शॉर्ट नोट्स के देखने को मिलते हैं। तो जो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो जो फर्स्ट है वही लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, एडमिशन एंड डिस्चार्ज। जो एडमिशन होता है क्लाइंट का हॉस्पिटल के अंदर, और उसका डिस्चार्ज, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होता है, उस प्रोसेस के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो एडमिशन और डिस्चार्ज, इसको आपको डियर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद में आ गया CPR या BLS, कार्डियो पल्मोनरी रीससिटेशन या बेसिक लाइफ सपोर्ट, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स में पूछ लेगा। यदि शॉर्ट नोट्स में नहीं पूछता है तो थोड़े बड़े क्वेश्चन में जैसे बेड मेकिंग बेड शोर का पूछा, उसकी तरह ही CPR का आपसे 6 या 8 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ सकता है, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। कंफर्ट डिवाइसेज, जो सैंड बैग्स वगैरह होते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना है। जो कंफर्ट डिवाइसेज हैं और कंफर्ट पोजीशन, कंफर्ट डिवाइसेज और कंफर्ट पोजीशन में से डेफिनेटली एक
जो है इनमें से आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर देखने को मिलता ही मिलता है। इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट बायोमेडिकल वेस्ट BMW, चलाने वाली नहीं, गाड़ी वाले BMW की क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो पूछेगा बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसकी जो कैटेगरी है, इसकी जो सेग्रीगेशन की प्रोसेस है, उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट एनिमा का क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि एनिमा क्या होता है, कौन कौन से टाइप के एनिमा होते हैं और इसकी प्रोसीजर क्या होती है, ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो आपको एनिमा को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद में आता है बैरियर नर्सिंग। जो बैरियर नर्सिंग है, इसमें हम आइसोलेशन टेक्निक्स यूज में लेते हैं टू प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए जो यूज में ले जाती है टेक्निक, दे आर इंक्लूडेड इन द बैरियर नर्सिंग। तो आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से याद कर लेना है। और जो बैरियर नर्सिंग है, बहुत छोटा टॉपिक है, अच्छे से इजीली आपको याद हो जाएगा। केयर ऑफ अनकॉन्शियस क्लाइंट, ये क्वेश्चन बहुत बार शॉर्ट नोट्स के अंदर या फिर बेड मेकिंग बेड शोर की तरह पूछा गया है। केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट या केयर ऑफ अनकॉन्शियस क्लाइंट, इसके अंदर जो GCS ग्लासगो कोमा स्केल होता है उसको भी आपको याद कर लेना है। और जो GCS स्केल है, इसको तो आपको हमेशा याद करके रखना है, कॉम्पिटिशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंफर्ट पोजीशन का मैंने बताया कि कंफर्ट डिवाइसेस या कंफर्ट पोजीशन, दोनों में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। और लास्ट वन इज द गैस्ट्रिक गवाज या गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक गवाज का मतलब होता है फीडिंग देना, टू गिव, और लवाज का मतलब होता है टू एस्पिरेट। इसके वीडियो आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने दोनों पे पढ़ाया हुआ है, गैस्ट्रिक गवाज का भी बनाया हुआ है और गैस्ट्रिक लवाज का भी बनाया हुआ है। इसकी प्रोसीजर पूछ सकता है और इसके कॉम्प्लिकेशन वगैरह भी पूछ सकता है। तो गैस्ट्रिक गवाज और गैस्ट्रिक लवाज को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और ये जो वीडियो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं हमारे, जो इम्पोर्टेंट सीरीज चल रही है, उसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।